दिल टूटा है किसी के सताए हुए हो, दुखी हो, परेशान हो, जो भी कारण, या फिर बहुत खुश हो और अकेले रहना चाहते हो कुछ दिन, तो फिर बस मेरी तरह निकल पड़ो नारकंडा की ओर। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो नारकंडा से दिल्ली के बीच की यात्रा का समय 8 से 12 घंटे के बीच कहीं भी हो सकता है, और अगर आप अपने खुद के व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको लगभग 8 to 9 आवर्स लग सकते हैं। नारकंडा जाने के लिए आप शिमला तक वॉल्वो ले सकते हैं। नारकंडा इज़ अबाउट 65 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शिमला एंड दैट डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन अबाउट 2 आवर्स। तो स्पिति और किन्नौर वैली की ओर तो ये बसेस जाती ही हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी रेयर टू फाइंड द बस। वंस यू रीच शिमला यू कैन टेक अ प्राइवेट टैक्सी और अ शेयर्ड वन, या फिर आपको एकदम ही ऑथेंटिक रॉ फील चाहिए और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप हिमाचली बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और हाँ, बस में वो हिमाचली गाने ज़रूर सुनने को मिलेंगे आपको। कई बार लोकल से बात करने से वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो किसी व्लॉग या विकिपीडिया से नहीं मिलती। अगर आप वो सब अवॉइड करना चाहते हैं तो हाँ, आप वहाँ से ले सकते हैं एक प्राइवेट टैक्सी और जा सकते हैं नारकंडा। नारकंडा पहुँचने के बाद वहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा होटल ऑप्शंस नहीं, क्योंकि नारकंडा थोड़ा सा और ऊंचाई शिमला से काफ़ी दूर है, कम होटल्स हैं यहाँ पर। और हम तो भाई टेथी स्की रिजॉर्ट रुके थे, और नारकंडा की एक खासियत ये भी है कि जो भी स्पिति वैली की तरफ जा रहे होते हैं लोग, वो नारकंडा रुकते हैं, क्योंकि नारकंडा के बाद आपका बिल्कुल रफ टेरेन शुरू हो जाता है। वो इट्स सजेस्टेड कि आप नारकंडा में रात को रुकें, 7 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है, तो आप नारकंडा में रुकिए और रेस्ट कीजिए, और अगले दिन आप अपना सुबह 5-6 बजे अपना ब्रेकफास्ट करके स्पीति के लिए निकल सकते हैं। नारकंडा हाटू पीक के लिए भी जाना जाता है। आप हाटू पीक बाइक से, कार से या फिर ट्रैक करके भी जा सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप कच्चे ड्राइवर हैं तो जो 7 किलोमीटर ट्रैक जो आपका नारकंडा से शुरू होता है हाटू पीक के लिए, उसके लिए बेटर है कि आप एक लोकल टैक्सी लें। द रोड इज एक्सट्रीमली नैरो, इट्स अ वन वे। हाटू पीक माता मंदिर भी है वहां पर। अब एक चीज़ हमने देखी कि जहाँ भी हम ट्रैक के लिए जाते हैं, जहाँ भी हम अपनी ट्रिप्स के लिए जाते हैं, स्पेशली ये पहाड़ी एरियाज़ में, जैसे कि आपका उत्तरांचल हो गया या हिमाचल हो गया, जितने भी आपके माता के मंदिर होते हैं पीक्स पे होते हैं, और मुझे लगता है कि ये जायज़ भी है, क्योंकि बिना मेहनत करे, बिना चले, थकावट महसूस करे, आप अगर ऐसे ही दर्शन मिल जाते हैं ना किसी चीज़ के, जो मिल जाता है फटाफट, उसकी ज़्यादा कद्र नहीं करते आप। तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं और जब फाइनली आपको लगता है कि अरे सीरियसली हम आ गए, तो और आप देखते हैं सामने मंदिर है, मंदिर देख के ही जान में जान आ जाती है, और फिर जब आप माता के दर्शन करते हैं, वापसी में आप देखेंगे कि जो भी ट्रैक आप करेंगे जाते वक्त आपकी हिम्मत टूटती है, लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ वापस आ रहे होते हैं, और इतनी खुशी होती है आपके चेहरे पर कि हमने कुछ अकम्प्लिश किया। हाटू पीक एक तरीके से 360 डिग्री व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप पूरी शिमला वैली को भी निहार सकते हैं। अगर आप नारकंडा सर्दियों में आएंगे तो आपको स्कीइंग के मज़े मिलेंगे, एप्पल्स के मज़े मिलेंगे और स्नो के मज़े मिलेंगे, बट इफ यू कम ड्यूरिंग समर्स देन यू विल गेट टू एंजॉय फ्रूट्स एंड लश ग्रीन मेडोज। और हाँ, नारकंडा में अगर गर्मियों में आए और यहाँ के आपने फल ना खाए तो फिर क्या नारकंडा आए। नारकंडा आए हैं तो यहाँ के आपको चेरीज, प्लम्स, आलू बुखारे, मतलब हाँ वही प्लम्स आलू बुखारे, और आड़ू यानी कि एप्रिकॉट्स, और
एप्रिकॉट्स आपको यहाँ पे दो तीन तरीके के मिलेंगे और आड़ू भी दो तीन तरीके के मिलेंगे। प्राइसेस तो मुझे दिल्ली वाले ही लगे सच बताएं तो, लेकिन फ्रेशनेस एंड द साइजेस दे वर डेफिनेटली वेरी गुड। बिग साइजेस, जूसी एंड एब्सोल्युटली फ्रेश। एक चीज़ और, अगर आप मेरी तरह फलों के लिए एकदम पागल हैं तो आप जा सकते हैं चेरी पिकिंग के लिए। तो हमें होटल स्टाफ ने थानेदार जाने के लिए कहा था क्योंकि वहाँ की चेरीज एकदम बेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी चेरीज हैं। और जब हमने गूगल मैप पे डाला थानेदार तो हमारे लिए बजाया गया एक संजय दत्त का एक गाना। आप पता कर सकते हैं आसपास से, चेरी पिकिंग तो बहुत ही कॉमन है, आपको मिल जाएगी। एंड द साइजेस ऑफ चेरी आई मस्ट टेल यू, ओहो, दिल्ली में तो ऐसे चवन्नी साइज मिलती हैं, अगर आपको पता है कभी आपने चवन्नी देखी हो तो। और यहाँ पर आपको एक रुपये का कलदार, मतलब कि 1 रुपी क्वाइन वाला साइज मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है टेथीज रिजॉर्ट का, ये आपको मिलेंगे ये दो और शायद इससे ज़्यादा फ्री बॉडी कार्ड्स। बाय द वे, ये जो चर्पिंग सुन रहे हैं ना आप, ये चिड़ियों की चहचहट, ये मेलोडियस ट्यून आप यहाँ कॉन्स्टेंटली सुन सकते हैं। वेल, व्यू तो हमारी बालकनी से बहुत ही गजब है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये व्हाइट टेंट्स जैसा जिससे कि पूरी ये वैली कवर्ड है, ये आखिर है क्या? वेल, दीज आर हेल नेट्स। ये हेल नेट्स लगाए जाते हैं ताकि जो हेल स्टॉर्म आए उससे जो फ्रूट है वो ख़राब ना हो, वो दबे ना कहीं से भी, और बर्ड्स जो हैं वो भी फ्रूट्स को ना बाइट करें ना पैक करें, इसलिए इन पे हेल नेट्स लगाए जाते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हिमाचल से काफ़ी चेरीज और एप्पल्स एक्सपोर्ट होते हैं, दिस इज़ टू मेक श्योर दैट द प्रोड्यूस रिमेन्स इंटैक्ट, द क्वालिटी एंड द एस्थेटिक ऑफ द फ्रूट रिमेन इंटैक्ट। There is a sense of calm and peace in slow travel. जब हम rushed itineraries को छोड़ के किसी easy day पे जगह को explore करते हैं तो पता चलता है कि travel is therapeutic का असली मतलब क्या है। ऐसी शांत जगह आके different walking trails explore करना, अपने ख्यालों के साथ, अपने सवालों के साथ और अपने साथ टाइम स्पेंड करना, आई थिंक इट्स ट्रूली अमेजिंग। और जब हमने यहाँ पर अकेले कुछ टाइम स्पेंड किया तो हमें एक बहुत पुराना गाना याद आया जिसे हमें सुनने का इतना मन हुआ कि बस हमने लगा दिया। सुनना चाहेंगे आप? हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिससे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।